हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलेक्ट्रॉन को मैं आपका फ्रेंड स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास है एलजी का फ्रिज का एसएमपीएस आया हुआ है, देख सकते हैं। ये एसएमपीएस ख़राब हो गया है, ये रिपेयर के लिए आया है। आइए फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरा वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेते हैं और हम आपको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं। रोटो नॉट है, इसको अच्छी तरह से ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद इसका कवर ओपन हटा लेंगे। कवर हटाने के बाद देख सकते हैं अंदर का ये पीसीबी है। ये देख सकते हैं, ये पीएफ ऊपर से जला हुआ है, ये फ्यूज फूटा हुआ है, फ्यूज खराब है, ये कैपेसिटर भी खराब है। और आइए इसको ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं और क्या क्या ख़राब है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और हम कवर से बोर्ड को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या क्या ख़राब है और बतलाते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर और एक पीएफ डाल दिया, तीनों ख़राब है। ये मेरा कैपेसिटर इसमें का पुराना वाला था, ये फूल गया था। इसके बाद आप देखे वो होगा कि इसका पीएफ भी ख़राब था, प्लस में ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब था। और ये फ्रेंड, इसको चालू कर हम आपको भी बतलाएंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, इसका फ्यूज ख़त्म था तो मैंने वायर से भी जम्पर किया हूँ। और फ्रेंड्स, ये वाला स्विच का है, ठीक है, ये एसी लीड स्विच है। स्विच में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें तीन ठो कनेक्शन दिया हुआ है, तो तीन ठो कनेक्टर है, तो तीन ठो में से यहाँ से देख सकते हैं ये डबल प्रिंट वाला बोर्ड है, इसका ऊपर नीचे भी प्रिंट होती है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ से इस फ्यूज के द्वारा एगो रेजिस्टेंस जो फाइव लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है इसका। फिर स्विच के बाद दूसरा कनेक्शन यहाँ देखिए, यहाँ से सिल्ट से आया हुआ है यहाँ तक आया, यहाँ से डबल प्रिंट के बाद यहाँ तक डायरेक्ट आया हुआ है। आपको बतला देते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से प्रिंट उठा है और यहाँ आया है, और ये वाला यहाँ आया है, यहाँ से आया है। और इसको मैंने इसको जम्पर कर दिया, ये शॉर्ट हो गया स्विच का। और इसको हम एसी लीड लगा कर इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रोक लिया हूँ और एसी लीड का वायर कनेक्ट कर लिया हूँ। और आइए इसको चेक कर हम बताते हैं। मीटर को 200 के रेंज में रख लिया हूँ और मीटर को 200 के रेंज में रख लिया हूँ। और ये पीसीबी है, और पीसीबी में हम सारे वोल्टेज चेक करके बताते हैं। मैंने इसको एसी से कनेक्ट कर लिया है। एसी से कनेक्ट करने के बाद देखिए, एसी से कनेक्ट करने के बाद एक पीली बत्ती जला। और हम आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाला है, यहाँ पर ग्राउंड रखेंगे। ग्राउंड रखने के बाद यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट बनने लगा मेरा, ये मेरा सेट ओके हो गया। देखिए 4 वोल्ट यहाँ पर भी बनने लगा, ये सब बनने लगा वोल्टेज, ये पीसीबी ओके हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन दबा लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वोल्ट बनने लगा, आपको 100% है, 90% है कि आपका सेट ओके हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज बनने लगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।